हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट वर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कैसे बना सकते हो। इसके पहले हमने एक वीडियो प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड अपलोड कर दिया है, जो टॉपिक था आपका ऊर्जा का रूपांतरण। उस पर आपको मॉडल या चार्ट बनाना था। हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी के लिए वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया है और आप उससे आसानी से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, दूसरा टॉपिक है साइंस का। इसमें आपको लिखना है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पे आपको संक्षेप में उसके बारे में आप मॉडल बना सकते हो या फिर चार्ट बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और जितने भी ये पीडीएफ होते हैं मैं रात को 10:30 बजे तक आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आज का टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, आप इसका फिगर किस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, आप फिगर भी बना सकते हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने बनाया है, तो सिंपल आपको क्लाइंट खींच देना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका अभिलंब होता है, ये परावर्तित किरण होता है और ये आपतित किरण होता है। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और आप फिगर किस तरीके से बना सकते हो। अब हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता चल गया कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो, आप फिगर के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका विरल से सघन, ये सीधी आप पारदर्शी सतह है, ठीक है, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण। तो आप इस तरीके से भी फिगर बना सकते हो। तो इसका जो परिभाषा हो जाता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा बस। और इसमें ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो बहुत ही आसानी के साथ, जैसे कि चार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख के और यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और परावर्तन के बारे में और नीचे फिगर बना सकते हो। बहुत ईजी है, आप आसानी के साथ बना सकते हो। और आप इस तरीके से भी बना सकते हो ताकि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है बहुत ही अच्छा दिखने में लगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और जो हम कल जैसे कि टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे हम देख लेते हैं कि अगला जो आपका टॉपिक है वो भी आप यहाँ देख सकते हो कि कल हमने ऊर्जा के रूपांतरण को स्पष्ट करने वाला मॉडल या चार्ट बनाया था। और आज का जो टॉपिक आपका दूसरा था, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन को स्पष्ट करनी है तो मॉडल या चार्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और तीसरा जो अब हम डिस्कस करेंगे, इसकी जो वीडियो आएगी वो रात के 8 बजे तक आ जाएगी, जिसका नाम है मानव शरीर के अंग एवं कार्य से संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रश्नावली तैयार करना, ठीक है फ्रेंड्स। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे चतुर्थ सेमेस्टर है, उसकी भी वीडियोज आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है, जितने भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। और आपको जो टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा वो आपको रात को 10:30 बजे तक मिल जाता है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, आपको लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।